मनरेगा घोटाले की आरोपी पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें। सीएम हेमंत सोरेन ने निगरानी टीम को जांच के दिए आदेश। खूंटी में साल 2010 में दर्ज 5 मामलों की जांच करेगी निगरानी टीम। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। मनरेगा घोटाले की आरोपी है पूजा सिंघल, जिनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने निगरानी टीम को जांच के आदेश दिए हैं। खूंटी में 2010 में दर्ज 5 मामलों की जांच करेगी निगरानी टीम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के निर्देश दिए हैं। निगरानी टीम अब पूजा सिंघल पर साल 2010 में दर्ज 5 मामलों की जांच करेगी और साफ निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिए हैं निगरानी टीम को, जो कि इस मामले में जांच करेगी। साल 2010 में 5 मामलों की जो जांच है वो निगरानी टीम करेगी। यानी कुल मिलाकर पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता चंदन। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन ने निगरानी विभाग की टीम को निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए गए और क्या इससे आगे पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, आईएएस अधिकारी जो फिलहाल निलंबित है पूजा सिंघल, उसके मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से निगरानी जांच का आदेश दिया गया है। खूंटी में जब डीसी थी पूजा सिंघल, उस दौरान के मामले की जो मनरेगा गड़बड़ी का आरोप सामने आया था और मनरेगा गड़बड़ी के बाद ईडी ने भी आगे की कार्रवाई की थी, उसी मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से निगरानी जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस आदेश में अब जो खूंटी में 2010 में मामले दर्ज हुए थे, उस मामले की जांच निगरानी करेगी। और अब ये देखना होगा कि निगरानी जांच जब राज्य सरकार की तरफ से करेगी तो इसमें किस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ती है। फिलहाल पूजा सिंघल ईडी के जांच दायरे में है और ईडी की कार्रवाई चल रही है उनपे। अब राज्य सरकार की तरफ से भी निगरानी जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जांच आगे जांच की कड़ी जब बढ़ेगी तो किस तरह की मुश्किलें पूजा सिंघल के सामने आती है ये देखना होगा। बहरहाल इतना तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो निगरानी जांच के आदेश दिए गए हैं वो खूंटी मनरेगा की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ मामला है। 2010 में खूंटी में मामले दर्ज हुए थे और उसी की जांच अब निगरानी करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनरेगा घोटाले के आरोपी पूजा सिंघल पर कार्रवाई की जा सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है पूजा सिंघल की। निगरानी विभाग की टीम को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। साल 2010 में जो 5 मामले दर्ज किए गए थे, उस मामले की जांच होगी और जांच के बाद अगर दोषी पाई जाती है पूजा सिंघल तो उन पर मुश्किलें जो है उनकी वो बढ़ सकती है और कार्रवाई भी सख्त से सख्त की जा सकती है। हालांकि पहले ही मनरेगा घोटाले मामले में वो जमानत के लिए लगातार कोर्ट में जा रही हैं।